मां डब्बे रसिया पुण्य भूमि सकरिया नाडो माड्यादा जनते गे नाना नमस्कार गड़ो आदि चुनचुनगिरी मठ के नाना भक्ति पूर्वक नमस्गड़ो मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार सुराना जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सीपी उमेश जी, यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, माननीय सांसद श्री प्रताप सिन्हा जी, कर्नाटक सरकार के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर डॉक्टर अश्वथ नारायण जी, खेल एवं बागवानी विभाग के मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशीगण श्री अशोक जयराम जी, श्री एसपी स्वामी जी, श्री सचिदानंद जी, श्री मुनि राजो जी, श्री इंद्रेश जी, श्रीमती सुधा शिवराम गौड़ा जी, श्री जगदीश हिरमानी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मांडिया जिले के आप सभी उपस्थित उत्साही कार्यकर्ताओं का मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आकर के हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां मांडिया जिले में आकर के आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए कर्नाटक इकाई का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई ने इस चुनाव में मुझे भी आमंत्रित किया और मैं आपके बीच में आकर के आपका दर्शन कर सकूं, आपसे संवाद कर सकूं और आपसे अपील भी कर सकूं और आपको आमंत्रित भी कर सकूं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है, भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है।
और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांड्या कुंभ का आयोजन किया था। मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था, अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर। और अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, मैंने सुना था, हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। ये भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाग जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना यह साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है। और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था, पिछली हुकूमत ने किन हमारे किसानों के लिए क्या किया था। और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था,
यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानों की हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा, जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी, और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है, आज विकास हरेक स्तर पर देखने को मिलता है, हरेक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही
हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल। योगी आदित्यनाथरु ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಡಿಯೇಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಶಕ್ತವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಪಿಎಫ್ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ದೇಶದ ಆಮೂಲಾಗ್ರತೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರ ನೇರಾನೇರವಾದಂಥ ನುಡಿ। ಅವರು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವವಾದ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ನಂಟೊಂದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು। ನಾವು ರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆ ಮಹಾನ್ ಬಂಟ ಹನುಮನ ಜಾಗ ಅಂತಂದರು।